Hi everyone, welcome back to our channel. This is me, Khushbu Verma, and today in this video we are going to talk about another medical college from the state Uttar Pradesh. तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हम SRMS IMS बरेली यानी कि श्री राम मूर्ति स्मारक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जो कि आपका उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है. सो बात करें अगर हम इसके एफिलिएशन की तो अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी से इसका अफिलिएशन हुआ गया है. साथ ही साथ में अगर हम अप्रूवल देखें सो NMC यानी कि नेशनल मेडिकल काउंसिल नेशनल मेडिकल कमीशन से इसका अप्रूवल हुआ है. ऑलराइट, सो अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी से इसका अफिलिएशन है और साथ ही साथ में इसको NMC से जो है वो अप्रूवल भी मिला गया है. तो ये एक कॉलेज और हॉस्पिटल दोनों हैं जो कि एक ही कैंपस में एसोसिएटेड है, यानी एक तरफ कॉलेज बना हुआ है और एक तरफ जो है आपका हॉस्पिटल है. सो अगर हम बात करें, शुरुआत करते हैं इसके एस्टैब्लिशमेंट के बारे में, एस्टैब्लिशमेंट से. सो इन द ईयर 2005 इसकी शुरुआत हुई थी. वहीं पर ओनरशिप देखें तो ये एक प्राइवेट कॉलेज एंड हॉस्पिटल है जो कि आपके MBBS कोर्सेज प्रोवाइड कराता है, PhD लेवल के कोर्सेज प्रोवाइड कराता है एंड साथ ही साथ में आपके पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज भी प्रोवाइड कराता है. सो UG, PG एंड PhD लेवल कोर्सेज आर बीइंग ऑफर्ड बाय दिस कॉलेज एंड हॉस्पिटल. तो अब अगर हम बात करें कि कुल कितनी सीटें हैं अगर हम MBBS से शुरू करें तो दैट इज़ योर 100 सीट्स, मतलब 100 स्टूडेंट्स का इनटेक होता है एनुअली इन द फील्ड ऑफ फॉर द कोर्स MBBS. तो अब अगर हम देखें कि कितनी फीस है, बिकॉज ऑब्वियसली बात है योर MBBS इज 5.5 ईयर्स अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम इन विच 4.5 ईयर्स यू गिव फॉर द अकेडमिक्स एंड द रेस्ट 1 ईयर दैट गोज फॉर योर इंटर्नशिप पीरियड, राइट, जिसमें कि आप पेड इंटर्नशिप होती है, यू गेट दैट स्टाइपेंड ऑल्सो. सो ओवरऑल अगर हम फीस देखें सो दैट इज़ योर 51.48 लैक्स. ये आपकी एक साल की नहीं बल्कि 5 साल की फीस है. सो दिस इज योर 5.5 ईयर्स अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम जिसमें से कि एक साल की आपकी इंटर्नशिप हो जाती है जो कि आपकी पेड इंटर्नशिप होती है. ओके, एंड जो बचा हुआ है आपका 4.5 ईयर्स तो उसकी अगर हम मिलाएं ऑल्सो इन दोनों का 1 ईयर और 4.5 ईयर्स, बिकॉज इसको तो हम ऑब्वियसली वी आर नॉट गोइंग टू इंक्लूड बिकॉज आपका पढ़ाई ख़त्म हो जाती है, तो 51.48 लैक्स ये आपका पूरा फी स्ट्रक्चर रहेगा फॉर द 4.5 स्ट्रेट ईयर्स. अब आते हैं हमारे कौन सा एग्ज़ाम यहाँ पर एक्सेप्टेड है, यानी कि एडमिशन प्रोसेस पे अगर हम देखें सो विच एग्ज़ाम इज़ एक्सेप्टेड हियर, दैट इज़ योर नीट, यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट एग्ज़ाम होता है. तो ऑब्वियसली बात है आपने 2021 में नीट दिया होगा. अब हर कॉलेज का कट ऑफ अलग अलग होता है, राइट, जो अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, ST कैटेगरी, SC कैटेगरी, OBC कैटेगरी या जनरल कैटेगरी, EWS कैटेगरी, देन फिजिकली हैंडीकैप कैटेगरी, तो उनके कट ऑफ थोड़े वेरी करते हैं बट मोर और लेस जिन जिन कॉलेजेस का कोटा वाइज होता है तो वो अधिकतर सेम होता है. जैसे कि 85% जो है अगर हम सीट्स के इनटेक के ही कोटा के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर जैसे मान लो आपकी 100 सीटें तो मैक्सिमम कॉलेजेस में क्या होता है 80% जो है आपका 85% जो है that goes for the state quota and remaining 15% goes for the NRI students. मतलब कि ये जो 100 सीटें हैं वो कैसे भराती है, जो 100 सीटें हैं वो कैसे भराती है, 85% जो है that goes for your state quota उस तरह से, और बाकी का जो बचा हुआ 15% है that goes for your NRI students, यानी कि नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया के स्टूडेंट्स को वो बची हुई 15% की सीटें मिलती है. तो सेम गोज विद द कट ऑफ ऑल्सो, राइट, अगर हम बात करें यहाँ पर MBBS के कट ऑफ के बेसिस पे फॉर द स्टेट कोटा, स्टेट लेवल पे, तो यार आप अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके 50th परसेंटाइल में मार्क्स आने ज़रूरी है नीट में,
मतलब 302 आउट ऑफ 720. वहीं पर अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी को बिलोंग करते हो, लेट्स से इफ यू आर फ्रॉम ओबीसी एसटी और एससी, देन आपके मिनिमम 265 यानी कि 265 मार्क्स आना जरूरी है आउट ऑफ 720, जिसे बोलते हैं 40th परसेंटाइल. बट ये जो कट ऑफ है ये अलग अलग कॉलेजेस में वेरी करता है, मोस्टली ये कट ऑफ रहता है. ठीक है, दूसरी चीज़, ये तो हमारा कट ऑफ था. अगर हम एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें कि अगर आपको MBBS में एडमिशन लेना है तो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, राइट? सो 12th में यार आपकी मिनिमम 50% होना ज़रूरी है अगर आप जनरल कैटेगरी से हो. अगर आप ST, SC या फिर OBC से हो तो आपके 45% होना ज़रूरी है. एंड इफ़ यू आर फ्रॉम फिजिकली डिसेबल्ड कैटेगरी, फिजिकली हैंडीकैप कैटेगरी, तो आपके 40% मार्क्स होना ज़रूरी है. बट सेम गोज विद द PG ऑल्सो. अगर आप PG करना चाहते हो तो भी आपका यही क्राइटेरिया होगा. बट इसके अलावा आपको MBBS की डिग्री भी होना ज़रूरी है हाथ में, जिसमें कि MBBS में भी आपको कम से कम 50% स्कोर करना है, इज मैंडेटरी. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट नीट जो PG है, नीट PG फॉर द पोस्ट ग्रेजुएशन, वो भी आपको देना पड़ेगा. ठीक है, तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया फॉर द PG कोर्सेज. अब हम आ जाते हैं एज फैक्टर पे. अब MBBS करना है आपको यार, तो ऑब्वियसली बात है 17 साल आपकी मिनिमम एज होगी. ठीक है, एंड मैक्सिमम एज इज़ योर 25 ईयर्स. अगर आपकी उम्र 17 से 25 साल के बीच में है तो आप MBBS कर सकते हो. बट अब लेट्स से कोई बोलता है कि मैम मेरी तो 16.5 साल है, तो यार मुझे ऑन पेपर ऑन डॉक्यूमेंट्स जो आपकी एज होगी उस हिसाब से चलेगा. बट एक्चुअल में आप कितने के भी हो उससे हमें मतलब नहीं है, बट डॉक्यूमेंट्स में आपका लिखा होना चाहिए कि आप 17 से 25 साल के बीच में हो. सो दिस इज़ योर एज फैक्टर. नंबर टू, व्हेन यू आर एनरोलिंग फॉर द डिप्लोमा कोर्सेज, PhD कोर्सेज और सर्टिफिकेट कोर्सेज, तो वहाँ पर एज फैक्टर मायने नहीं रखता है. ठीक है, MBBS के लिए एज फैक्टर रहता है, बट अगर हम दूसरे कोर्सेज के बारे में देखें तो वहाँ पर एज फैक्टर मायने नहीं रखता है. ठीक है, यू कैन डू योर PhD और योर सर्टिफिकेट कोर्सेज और योर डिप्लोमा कोर्सेज इवन इन योर 40s, इवन इन योर 50s, इवन इन योर 30s. राइट, सो यहाँ पर सो फार वी हैव डिस्कस्ड द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बोथ फॉर द PG एंड UG. नाउ कमिंग बैक टू द वीडियो, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर लेट्स से कट ऑफ के बारे में. जैसे मैंने आपको बताया है UG का कट ऑफ, वैसे PG का कट ऑफ अगर हम डिस्कस करें यहाँ पर. सो अगर आप जनरल कैटेगरी से हो और साथ ही साथ में आप EWS से भी हो तो आपके कितने मार्क्स आने ज़रूरी हैं, दैट इज़ योर 302, जिसे बोलते हैं 50th परसेंटाइल आउट ऑफ 720. बट लेट्स से इफ़ यू आर फ्रॉम OBC, ST, SC, तो आपके आने हैं 265, अगेन आउट ऑफ 720. ठीक है, बट लेट्स से इफ़ यू आर फ्रॉम जनरल कैटेगरी फिजिकली हैंडीकैप्ड, you must score 283 out of 720. And let's say if you are from reserved category plus physically handicapped, then you must score 265 out of 720. So this is for your NEET PG. ये जो आपका कट ऑफ मैंने लिखा है, दिस इज़ फॉर द नीट PG, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अगर आप जा रहे हो, नीट PG के लिए जा रहे हो, तो उसका कट ऑफ ये रहेगा. जनरल कैटेगरी से हो, EWS से हो, तो 302, जिसे बोलते हैं 50th परसेंटाइल आउट ऑफ 720. वहीं पर अगर आप OBC से हो, ST, SC से हो, तो आपके 265 आने ज़रूरी है, अगेन आउट ऑफ 720. लेट्स से अगर आप जनरल कैटेगरी के फिजिकली हैंडीकैप्ड सेक्शन से बिलोंग करते हो तो आपका आना ज़रूरी है 283 आउट ऑफ 720. एंड द लास्ट कैटेगरी इज़ अगर आप OBC, ST या फिर SC से बिलोंग करते हो, साथ ही साथ में अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हो, तो आपके आने ज़रूरी है 265 आउट ऑफ 720. सो दिस इज़ योर कट ऑफ फॉर द पोस्ट ग्रेजुएशन नीट PG का. ओके, सो अब हमने डिस्कस कर लिया है यहाँ पर कि क्या फी स्ट्रक्चर है, इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था, किससे इसको रिकग्निशन मिला है, किससे ये यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड है. बात करें इसके हॉस्पिटल के बारे में,
ओवरऑल कैंपस अगर हम देखें तो यहाँ पर हॉस्पिटल भी है, कॉलेज भी है, ठीक है, दोनों आपको मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल मिलेंगे। हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ ये हैं कि आपको यहाँ पर 24/7 एमरजेंसी सर्विसेज रहेगी, एम्बुलेंस रहेगी, डॉक्टर्स रहेंगे, स्टाफ रहेगा, नर्सेज रहेगा, ठीक है, आपका पैथोलॉजी का अलग है, डायग्नोसिस सर्विसेज रहेंगी। ओवरऑल कितने बेड्स हैं, तो 1200+ बेड्स हैं, आईसीयू के लिए अलग बेड्स हैं, स्पेशल केयर बेड्स अलग हैं, ये ओवरऑल स्ट्रक्चर था आपके हॉस्पिटल का। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द कॉलेज कैंपस, तो कॉलेज में यू आर गोइंग टू गेट अ सेपरेट हॉस्टल बोथ फॉर द गर्ल्स एंड द बॉयज। आपका अलग से ऑडिटोरियम रहेगा जहाँ पर फंक्शंस होते हैं, इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, राइट। आपके लेबोरेटरीज हैं, क्लब्स बने हुए हैं इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स एंड फिटनेस। आपके लिए जिम बना हुआ है, पूल बना हुआ है, लेबोरेटरीज इसलिए ताकि जहाँ पर आप प्रैक्टिकल कर सको, राइट, उसके लिए अलग लेबोरेटरीज, अलग लैब्स हैं। डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं अलग अलग, जैसे आपका एनाटॉमी का डिपार्टमेंट अलग हो गया, एनेस्थेशियोलॉजी का अलग है, गायनेकोलॉजी का अलग है, देन डर्मेटोलॉजी का अलग है, डेंटिस्ट्री का अलग है, तो ऐसे ही बहुत सारे डिपार्टमेंट्स अलग अलग बने हुए हैं जहाँ पर आप प्रैक्टिस करने के लिए, प्रैक्टिकल करने के लिए जा सकते हो, राइट। सो दिस ये मैंने आपको बताया फैसिलिटीज़ बोथ फ्रॉम द हॉस्पिटल एंड द कैंपस, राइट। नाउ इट्स अप टू यू कि आपको आपके प्रोफाइल के हिसाब से देखना है कि ये कॉलेज आपके उसमें टारगेट में है या नहीं, आपका कितना कट ऑफ, सॉरी आपकी कितनी रैंक है और क्या वो रैंक इनके कट ऑफ के हिसाब से बैठ रही है या नहीं। सो ये आपको काउंसलिंग के टाइम पे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, जो कि वी आर गोइंग टू हेल्प यू आउट इन योर काउंसलिंग सेशन। अब आपको कैसे हम हेल्प करेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगी जिसमें नीट काउंसलिंग कोर्स करके एक लिंक है, जब आप उस पर क्लिक करोगे जाओगे तो आपको एक एनरोलमेंट करने के लिए ऑप्शन आएगा फॉर द कोर्स, जिसमें कि हमारे जो काउंसलर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वो आपको बताएंगे कि किस तरह से नीट की प्रॉपर काउंसलिंग होती है, कैसे चॉइस फिलिंग करते हैं, क्या उसका प्रोसीजर होता है, कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपको ज़रूरी होंगे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ काउंसलिंग, ठीक है, आपकी रैंक के हिसाब से आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है, किस कॉलेज का कितना कट ऑफ है, एंड स्टफ़ लाइक दैट, वो सारे क्वेश्चंस और आपके मन में जो भी सवाल है वो भी आपको पता चलेंगे हम थ्रू आर एक्सपर्ट्स एंड काउंसलर्स। सो इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। एंड नंबर टू इज़ योर नीट प्रिडिक्टर लिंक। सो नीट प्रिडिक्टर इज़ बेसिकली जब आप प्रिडिक्टर परचेज करते हो तो प्रिडिक्टर आपको MBBS कॉलेजेस की लिस्ट बना के देता है अकॉर्डिंग टू योर रैंक एंड योर कैटेगरी, मतलब जो आपकी रैंक आई है नीट के एग्जाम है 2021 में जब आपने एग्जाम दिए उसका स्कोर कार्ड, वो आपको रैंक डालनी है और आप जिस कैटेगरी को बिलोंग करते हो वो कैटेगरी डालनी है, उसके हिसाब से प्रिडिक्टर आपको प्रिडिक्ट करके बताएगा कि माई डियर फ्रेंड आपकी रैंक और कैटेगरी के हिसाब से कौन से कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हो फॉर द MBBS डिग्री, राइट। सो ये दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, उसे चेकआउट करना मत भूलिएगा। एंड आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि प्रिडिक्टर यूज़ करने के बाद में, कोर्स यूज़ करने के बाद में आपको क्या फ़ायदा हुआ है, क्या बेनिफिट हुआ है, राइट। सो मैं मिलूँगी आपको अगले वीडियो में, एंड ये वीडियो पसंद आया है अगर इन्फॉर्मेटिव लगा है सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। Thanks for watching. See ya. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share, and subscribe.